जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार शिक्षक बहाली सातवें चरण टेट स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। टेट स्टेट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें चरण के सभी टेट स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, सबसे पहले बड़ी खबर पर बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा ट्वीट का आयोजन किया गया था। तो कल ट्वीट का आयोजन था जो कि सफल रहा, ट्वीट अभियान सफल रहा प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों का। तो ऐसे में सातवें चरण का विज्ञापन आप लोग को जल्द ही देखने को मिलेंगे और इसके लिए कार्यक्रम तिथि भी, सातवें चरण का विज्ञापन को लेकर कार्यक्रम तिथि अर्थात शेड्यूल आप लोग को जुलाई के अंतिम सप्ताह में देखने को मिल सकते हैं। और आवेदन कब से शुरू होंगे सातवें चरण का, अर्थात सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए, प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, क्लास 1 से 8 के शिक्षक अभ्यर्थी, क्लास 1 टू 5 और 6 टू 8 के अभ्यर्थियों के लिए, तो आप लोग जान सकते हैं आवेदन अगस्त में ही शुरू होने वाला है, अगस्त महीने में। तो आप लोग उम्मीद रखें अगस्त के प्रथम सप्ताह में ही आप लोग को आवेदन करने का मौका मिल सकता है। बहुत देरी हो तो अगस्त के द्वितीय सप्ताह में, तो आप लोग उम्मीद बनाए रखें कि अगस्त महीने में ही आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और बहाली प्रक्रिया की बात करें तो पहले भी बातें कर चुके हैं, केंद्रीयकृत और ऑनलाइन बहाली होने वाली है सातवें चरण में। और इस सातवें चरण में आप लोग जानते हैं बिहार राज्य के निवासी होने की भी बातें की गई हैं। तो ऐसे में भीड़ कम होंगे और आवेदन करने वाले की संख्या कम होगी और इससे अधिक से अधिक सीटेट बीटेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो सकती है। तो अच्छी खबर है सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार ने दे दी खुशखबरी, तो आप लोग को खुशखबरी देखने को मिलने वाली है बिहार सरकार की ओर से। जो भी सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं तो आप लोग उम्मीद बनाए रखें, तो आप लोग को खुशखबरी जल्द ही जुलाई के अंतिम सप्ताह में और अगस्त में आप लोग को आवेदन करने का मौका मिलेगा। और कितने पदों पर होगी बहाली, तो विभिन्न प्रकार के न्यूज के माध्यम से अलग अलग टाइप की खबरें निकलकर सामने आती हैं। तो पिछले वीडियो में बातें किए थे कि 80,000 प्राइमरी शिक्षक की बहाली होने वाली है, लेकिन आप लोग उम्मीद बनाए रखें 1,25,000 की भी खबरें निकलकर सामने आई थी। तो हो सकता है आप लोग को 1,25,000 से भी अधिक पदों पर बहाली देखने को मिले, 1,25,000 से भी अधिक पदों पर बहाली देखने को मिल सकती है क्लास 1 से 8 के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, अर्थात क्लास 1 टू 5 और 6 टू 8 के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो अच्छी खबर देखने को मिलेगी आप लोग को। और मेधा अंक से बनेंगे, इस पर भी आगे बातें करने वाले हैं। और संक्षेप में बातें करें तो आप लोग को उम्मीद रखनी चाहिए, मेधा अंक के बारे में आप लोग को ज्यादा सोचने नहीं चाहिए। मेधा अंक अर्थात जिसके भी 60% हैं तो आप लोग उम्मीद रख सकते हैं, 60% जिसके भी अंक हैं अर्थात मैट्रिक, इंटर और जो प्रशिक्षण के अंक हैं, ये सभी जोड़ने के बाद 1 टू 5 की बात कर रहे हैं, तो आप लोग को उम्मीद रखनी चाहिए आप लोग का बहाली हो सकता है। कारण यह है कि काफ़ी पदों पर बहाली होने वाली है, लगभग लगभग 1,25,000 से भी अधिक, आप लोग 1.5 लाख करीब भी मानकर चल सकते हैं, इतने पदों पर बहाली देखने को मिल सकती है सातवें चरण में। तो अच्छी खबर है सातवें चरण के प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए और आप लोग उम्मीद रख सकते हैं। और स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए भी अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। प्राइमरी के साथ साथ प्राइमरी का पहले विज्ञापन जारी होगा और सेप्टेम्बर महीने में सेकेंडरी का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो सेकेंडरी शिक्षक अभ्यर्थी अर्थात माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी अच्छी खबर देखने को मिल सकती है सितंबर अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर महीने में। तो आप लोग उम्मीद रख सकते हैं। तो सितंबर महीना सभी अभ्यर्थियों के लिए खास होने वाला है, बिहार एसटीटी 19 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं, आप लोग देख रहे होंगे तो यही जानकारी है। तो मेधा अंक 6 टू 8 के लिए कैसे बनेंगे, तो 6 टू 8 के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड और इसका एवरेज, अर्थात आप लोग ग्रेजुएशन और बीएड को जोड़ने के बाद भाग दे देंगे 2 से, तो यही रहेगा एवरेज। तो यही बात है, इसी पर मेधा अंक बनने वाले हैं। सभी विषय के बारे में बातें कर चुके हैं और क्लास 9-10 के लिए भी यही है मेधा अंक, और यही सभी जानकारी हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।